नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब हम निकल रहे हैं हिसार के लिए। आज ये मेले का दूसरा दिन है और आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त शानदार मेला लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे कीट विज्ञान विभाग है, उसकी स्टाल लग रही है जी। और हमारे जो मेले की मेन थीम है प्राकृतिक या नेचुरल खेती, जिसको हम नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं जी। इस खेती का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम खेती कर रहे हैं, इस खेती में बिना किसी रासायनिक खाद, बिना किसी रासायनिक दवाई के उपयोग के बिना हम अच्छी खेती कर पाए। किसान मेले में हमसे एक सज्जन मिले हैं जो स्पेशली काम कर रहे हैं गौरैया बचाने के। अपना नाम बताइए। बजीत या तो दाई मागा। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं एनजीओ चलाता हूँ, मैं 17 गांव में घोसले बाज का हूँ। घोसले? हाँ, मैं दान भी करता हूँ। स्वर्धन जगह मैं खुद मेरे पे खुशी पे घोसले लगवाते, मैं तो शाम से लेता हूँ। मेरे बचपन से शौक है मैंने घोसले लगाने का, और मेरे में घर पे 37 सीढ़िया बिहारी है। अच्छा, 37 सीढ़िया, 37 अंडे दे रखे। चलिए, सभी दोस्तों से की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आप अपने मिशन में कामयाब हो। आने वाली 20 तारीख को चूंकि गौरैया दिवस है और गौरैया किसानों के लिए मित्र पक्षी का काम करता है, क्योंकि जब आपके खेतों में सूंडी लगती है तो गौरैया उसको चुग लेती है। ठीक है, थैंक यू। देखिए गाड़ी और साथ में है नोनू जी, निकलते हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं। कृषि मंत्री जी से आपने बात करनी है भैया? अरे रुकिए, हम तो रुक गए। अब आज मेले का दूसरा दिन था और अब मेला जैसा कि अब समाप्त हो रहा है, देख रहे हैं कि लोग स्टॉल जो है अपनी समेट रहे हैं, तो हम लोग भी अपने स्टॉल को अब बढ़ा रहे हैं। और जो मेला का प्रतिक्रिया रहा वो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि ऑर्गेनिक के प्रति लोगों का झुकाव रहा हमारे स्टॉल पे। न तो हमने कुछ खरीदा और न ही लोगों को कुछ गिफ्ट दिया, फिर भी जो ऑर्गेनिक सर्च करने वाले किसान थे वो हमारे यहाँ विजिट किए हैं। आइए इसके बारे में, हमारे साथ तो हमारे सहयोगी लोग हैं, हमारे साथ ही हैं भाई साहब थे, भाई साहब हरिबल जी हैं, ये सभी लोग आज पूरे दिन भर थे। इनके कैसा रहा दीपू जी आज का? बहुत बढ़िया रहा डॉक्टर, काफ़ी दूर दूर से किसान आए, बढ़िया रहा। एक तो सबसे अच्छी बात तो हम लोगों को ये लगी कि जो लोग बायो प्रोडक्ट पहले से यूज कर रहे हैं वो भी आज यहाँ पे आए। वो सर के साथ मिस गाइड हो गई थी उनको, यानी वो दोबारा यहाँ आए पता चला तो बड़ी संतुष्ट हुई उनको, अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा लगा उनको। तो ये आज संतुष्ट हो गए हैं कि हम दोबारा अपना काम करने वाले हैं। बहुत बढ़िया रहा। और हरिबल जी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रहा सर, पहले से देखिए काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला है और हो सकता है आगे चल के और भी ज़्यादा अच्छा होने की संभावना। बहुत सारे दुकानदार इसको सर्च करते हुए आए। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।